अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं शेफ नौरीन आमिर और आप लोग हैं मेरे साथ मेरे रिवायती किचन में। मेरे रिवायती किचन में बन रही है आज एक बहुत ही खास मजेदार हर दिल अजीज रेसिपी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं व्हाइट चिकन बिरयानी। बहुत ही मजेदार और यूनिक रेसिपी है, यकीन माने बिल्कुल वही वाली रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो कि पकवान सेंटर में लोग देहों में बनाते हैं। बहुत यूनिक है, आप इसे बनाएंगे खाएंगे तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। बातें बहुत हो गई, चले अब हम लोग चलते हैं रेसिपी की तरफ। व्हाइट चिकन बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि अपना चिकन का जो कोरमा तैयार करना है उसको तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पैन को मैंने रख दिया है चूल्हे के ऊपर और सबसे पहले ऑफ कोर्स हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल और उसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम लोग अच्छे से फ्राई कर लेंगे और हमने इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। जिंजर गार्लिक का जो पेस्ट हमने डाला था वो हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगा है, तो यहाँ पर अब मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ दालचीनी और यहाँ पर मेरे पास है बादियान के फूल, लौंग और काली मिर्च। ये शामिल करके अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ, ये है मेरे पास सफेद जीरा साबुत। साथ ही अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे चिकन। चिकन शामिल करके हम इसको हल्का सा फ्राई करेंगे। साथ ही अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरी मिर्च का पेस्ट, नमक और दही। जी तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं, चिकन को हमने तेज आंच के ऊपर फ्राई कर लिया है। यहां पर अब मैं क्या करने जा रही हूँ कि मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ पानी। पानी डाल के हम लोग चिकन को रख देंगे गलने के लिए। हम लोगों ने एक चीज का ख्याल रखना है कि जब चिकन हमारी गल जाए तो उसके बाद तकरीबन 1 ग्लास के जितना पानी इसके अंदर होना चाहिए। और यहाँ पर मेरे पास है जायफल, जावित्री, इलायची, लौंग और थोड़ी सी काली मिर्च। इन सबको मैं जो है बारीक इसको पीस लूंगी, इसको रखती हूँ साइड पे ताकि चिकन गल जाए कवर करके। और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि पानी रख देते हैं गर्म होने के लिए ताकि जो है हम अपने चावल उसमें बॉईल कर सकें। चिकन हमारी जो है वो मैंने गलने के लिए रख दी थी कवर करके और अब आ जाते हैं चावल बॉईल करने की तरफ। चूंकि ये सफेद बिरयानी है तो हम जो चावल का पानी बॉईल कर रहे हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं डालेंगे। यहाँ पर मैंने ऐड किया है नमक और नमक डालने के बाद अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसके अंदर भीगे हुए चावल। ठीक है, बासमती चावल मैंने इस्तेमाल किए हैं, इनको तकरीबन 35 से 40 मिनट से मैंने भिगो के रखा हुआ था। जी तो चावल जो है वो मैंने डाल दिए हैं पानी के अंदर और इसमें सिर्फ हमने नमक डाला है। चावल जो है हम नॉर्मली जब हम बिरयानी के लिए चावल बॉईल करते हैं तो हम एक कन्नी की गलावट जब रह जाती है तो हम चावल उतार लेते हैं, लेकिन जो सफ़ेद बिरयानी है इसके अंदर हम लोग थोड़े उससे ज़्यादा सख्त चावल उतारेंगे, यानी कि 2 कन्नी जब कच्चे रह जाएंगे तो हम इसको उतारेंगे। क्योंकि हम लोग जो वाइट बिरयानी बना रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने यखनी का इस्तेमाल भी करना है, तो अगर हम लोग चावल ज़्यादा गला देंगे तो हमारे जो चावल हैं वो नरम हो जाएंगे, इस चीज़ का हम लोगों ने ख्याल रखना है। यहाँ पर चावल भी रख दिए मैंने बॉयल होने के लिए और अब हम वेट करते हैं कि चावल हमारे बॉयल हो जाएं और फिर हम करेंगे इसका फाइनल स्टेप। जी आप लोग देखें कि चावल जो हैं वो हमारे डन हो चुके हैं। अब मैं इसको निकालती हूँ, पानी ड्रेन करती हूँ और हम करते हैं इसका फाइनल स्टेप। चावल हमारे रेडी हो चुके हैं, अब चिकन भी यहाँ पे गल चुकी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर तकरीबन 1 ग्लास के जितनी यखनी होनी चाहिए, 1 ग्लास का जितना जो पानी है वो रह जाना चाहिए। यहाँ पर अब मैं क्या ऐड करने जा रही हूँ इसके अंदर, अब मैं डालने जा रही हूँ ब्राउन की हुई प्याज, साबुत ही डाल रहे हैं इसको, मैंने क्रश नहीं किया है। ठीक है, साथ यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ साबुत हरी मिर्च, ये छोटी वाली है, काफ़ी तेज़ होती है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। ये है मेरे पास अदरक बारीक कटी हुई, वो डालेंगे हम इसके अंदर। और ये जो वो मसाला है इसके अंदर है जायफल, जावित्री, इलायची, लौंग और काली मिर्च का पाउडर, ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। और ये है मेरे पास केवड़ा वाटर और ये हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। क्या करेंगे हम कि इसके ऊपर हम डालेंगे अपने बॉईल किए हुए चावल। चावल शामिल करने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे ऑयल। अच्छा, ये वही ऑयल है जिसके अंदर मैंने प्याज जो है वो पहले ब्राउन किए थे। अब हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए दम पे लगा देंगे।
यहाँ पर जनाब इसको टाइम आ चुका है डिश आउट करने का और इसको मिक्स करने का। मैं यहाँ पे इसको मिक्स करती हूँ और करती हूँ डिश आउट, तो मिलते हैं इसकी फाइनल लुक के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की देगी वाइट चिकन बिरयानी की ये रेसिपी आप सब लोगों को बहुत पसंद आई होगी। इसे बहुत जल्द ट्राई करिएगा, यकीन माने बहुत एंजॉय करेंगे। यहाँ पे टाइम हो चुका है मेरे जाने का, लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी किसी जबरदस्त और यूनिक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।